वेलकम टू शर्माज वर्ल्ड कायस मेरा नाम है रितु और आज हम अपनी इसी प्रेगनेंसी सीरीज में बात करेंगे कि हम हॉस्पिटल बैग में डिलीवरी एंड लेबर के लिए क्या क्या पैक करें इसी वीडियो को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे एक मॉम जो बहुत ही जल्दी डिलीवरी स्टेज में जाने वाली है हम उनके लिए बैग में क्या क्या पैक करेंगे सेकेंड स्टेज आती है बेबी के लिए पैक किए जाने वाले स्टब्स और थर्ड आता है डैड तो चलिए आइए शुरू करते हैं बात करेंगे सबसे पहले मॉम्स के लिए बैग में क्या पैक किया जाने चाहिए सबसे पहले हम बात करेंगे फीटिंग टॉप्स की आप अपने हॉस्पिटल बैग में फीटिंग टॉप्स को ज़रूर पैक कीजिएगा बिकॉज इसमें आके बटन्स दिए होते हैं चेन दी होती है जिसे आप इजीली अनलॉक करके बेबी को इजीली फीड करवा सकते हैं स्पेशली इनिशियल स्टेज में व्हेन आप जस्ट डिलीवरी के स्टेज से बाहर आए हैं और आपके पास आपका न्यूबॉर्न बेबी आता है तो आपको उसे फर्स्ट फीड करवानी होती है तो ये बहुत हैंडी होते हैं सेकेंड इज़ टू पेयर्स ऑफ पजाम आप अपनी मेटर्निटी बैग में टू पेयर्स ऑफ पाजाम को ज़रूर रखिएगा जस्ट इन केस अगर आपको डिलीवरी के बाद कुछ लूज़ पहनने का आ, मन किए तो आप इजिली पजामाज वेयर कर सकते हैं जिसमें आप थोड़े बैगी टाइप पजामाज खुले होते हैं जिससे आपको अगर आप जस्ट डिलीवरी के बाद चेंज करते हैं तो वो आपके वोट्स को या फिर अगर आपको स्टिचेस आएँ तो उनको हर्ट नहीं करेंगे इसीलिए आप अपने बैग में दो तो पेयर ऑफ पाजामाज़ ज़रूर पैक कीजिएगा इसी में थर्ड आता है मेटर्निटी टाइट्स आप इसमें मेटर्निटी टाइट्स को ज़रूर कैरी कीजिए बिकॉज ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं आप वो वाले मटेरियल्स ले सकते हैं जो बहुत स्ट्रेचेबल होते हैं और जस्ट इन केस अगर आपका सी सेक्शन होता है तो ये आपके बेली पे आपके स्टिचस को हर्ट नहीं करते हैं ये जस्ट उसके नीचे सेटल डाउन होते हैं और ये आपको बहुत ईजी एंड कम्फर्टेबल फील करवाते हैं जस्ट डिलीवरी के बाद सो so, आप अपने बैग में मेटर्निटी टाइट्स को भी ज़रूर कैरी कीजिएगा स्लीपर्स आप अपने बैग में स्लीपर्स को ज़रूर कैरी कीजिएगा बिकॉज मोस्ट ऑफ़ द टाइम हॉस्पिटल्स आपको डिलीवरी से जस्ट पहले शावर लेने के लिए बोलते हैं या डिलीवरी हो जाने के बाद डिजिटली हॉस्पिटल आपको बोलते हैं कि आप शावर ले लीजिए तो ऐसे केस में ट्राई अवॉइड गोइंग बियर फीड्स इन द शावर स्पेशली अराउंड कोविड टाइम आप ट्राई कीजिए कि आप अपने फुटवेयर्स को पहन कर ही शावर लेने के लिए जाइए रॉब्स डिलीवरी के बाद जब आप शावर लेने के लिए जाएं तो आप अपने साथ अपने बाथरॉब्स को जरूर कैरी कीजिए इसीलिए आपको हॉस्पिटल बैग में फॉर द सेफर साइड बाथरॉब को भी कैरी कर लेना चाहिए सॉक्स आप अपने हॉस्पिटल बैग में सॉक्स को जरूर ऐड कीजिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल्स का इन्वायरमेंट बहुत कूलिंग होता है स्पेशली आप डिलीवरी के बाद फील करेंगे कि आपकी बॉडी बहुत वीकर हो जाती है जिसके बाद आपको ज़्यादा ठंड जैसी फीलिंग आती है तो इस केस में आप अपने साथ सॉक्स का पेयर ज़रूर कैरी कीजिए जिससे आपको ये सिचुएशन ना फेस करनी पड़े नेक्स्ट हम बात करेंगे साइज ऑफ शर्ट्स आप इसमें एक साइज़ अप जो है वो अपने साथ शर्ट्स जरूर कैरी कीजिए जस्ट इन केस अगर आपका सी सेक्शन होता है तो हॉस्पिटल आपको थ्री टू तो फोर डेज हॉस्पिटल में स्टे करने के लिए बोलते हैं एंड नॉर्मल डिलीवरी के केस में भी कुछ कुछ हॉस्पिटल्स आपको टू डेज अलाउ करते हैं रहने के तो इस केस में आप अपने बैग में मिक्सचर ऑफ फिटिंग टॉप्स प्लस टू पेयर्स ऑफ पजामाज एंड साइज अप जो टॉप्स हैं या शर्ट्स हैं उनको कैरी कीजिए जिससे आपको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े एंड आप इजीली उसे अनहुक करके बेबी को इजीली फीड कर सकते हैं गोइंग होम आउटफिट्स आप अपने मेटर्निटी बैग में गोइंग होम आउटफिट्स को ज़रूर कैरी कीजिए बिकॉज़ आजकल जब मदर डिलीवरी के बाद बेबी को लेकर फर्स्ट टाइम घर पे आती हैं तो उनका बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाता है उनका बहुत वार्म वेलकम किया जाता है तो ऐसे केस में आपको लेटर ऑन ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने अपने साथ एक अच्छा गोइंग होम आउटफिट कैरी नहीं किया सो इन दिस केस आप अपने बैग में गोइंग होम आउटफिट को ज़रूर कैरी कीजिए लाइट मेकअप आप अपने हॉस्पिटल बैग में लाइट मेकअप को ज़रूर कैरी कीजिए कुछ कपल्स आजकल लेबर के टाइम पे फिल्मिंग प्रेफर करते हैं या उस मोमेंट्स को कैमरा में कैप्चर करना चाहते हैं ताकि वो उसको लाइफ टाइम मेमोरी बना सकें तो ऐसे केस में आप चाहेंगे कि आप थोड़े अच्छे दिखें तो आप अपने साथ लाइट मेकअप को ज़रूर कैरी कीजिए स्पेशली जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो इस केस में भी आप अपने साथ थोड़ा लाइट मेकअप कीजिए ताकि जब आप घर पर आएँ और लोग आपकी पिक्चर्स लें आपके बेबी की पिक्चर्स लें तो आप उसमें ब्यूटीफुल दिखें मेटर्निटी ब्रास आप हॉस्पिटल बैग में थ्री टू फोर पेयर्स ऑफ मेटर्निटी ब्रास को जरूर कैरी कीजिएगा ये हुकअप या फिर चेन वाली अगेन ऐसी मार्केट में अवेलेबल होती है जो आपको बहुत इजी एंड कंफर्ट फील करवाएंगी जब आप बेबी को प्रेसफेड करवाते हैं नर्सिंग पैड्स आप अपने हॉस्पिटल बैग में नर्सिंग पैड्स को ज़रूर कैरी कीजिए बिकॉज आफ्टर डिलीवरी आप एक्सपीरियंस करेंगे कि समटाइम्स आपको लीकेज जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आप नर्सिंग पैडस को कैरी करेंगे तो आपको किसी भी तरह की क्रॉस फीलिंग नहीं होगी और आपके कपड़े जो हैं वो सेफ़ रहेंगे और सोख नहीं होंगे मेटर्निटी पैड्स मदर्स को डिलीवरी के बाद थ्री टू फोर डेज़ बहुत हैवी ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है तो ऐसे में कुछ हॉस्पिटल्स मदर्स को पैड्स प्रोवाइड करते हैं बट जस्ट इन केस आपको अपने हॉस्पिटल बैग में फॉर द सेफर साइड मेटर्निटी पैड्स को कैरी जरूर कर लेना चाहिए अंडीज़ इसमें दो कैटेगरीज आती हैं या तो आप अपने साथ अपनी ओल्ड अंडीज़ को कैरी कीजिए जिसे कि आप यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं बिकॉज डिलीवरी के बाद आपको हैवी ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है तो जस्ट इन केस इफ़ देर इज़ एनी एक्सीडेंट हैपन्स यू कैन जस्ट यूज़ दैट ओल्ड अंडीज एंड थ्रो इट अवे और सेकेंड ऑप्शन याद है कि आप मार्केट से डिस्पोजबल अंडीज़ को कैरी कर सकते हैं मार्केट में बहुत से मेटोरिटी अंडीज़ के ऑप्शन आते हैं जिसे आप अपने हॉस्पिटल बैग में ईजिली कैरी कर सकते हैं टावल्स कुछ कुछ हॉस्पिटल्स मदर को टावल्स प्रोवाइड करते हैं जस्ट टू टेक अ शावर आफ्टर डिलीवरी बट ड्यू टू द कोविड टाइम अराउंड हम प्रेफर करेंगे कि आप हॉस्पिटल बैग में एक लाइट टावल अपने साथ जरूर कैरी कीजिए स्नैक्स आप अपने बैग में गुड अमाउंट ऑफ स्नैक्स का ज़रूर पैक कीजिए फॉर यू एंड फॉर योर हस्बैंड बिकॉज आप डिलीवरीज जो हैं वो अनसर्टेन होती हैं वो एक छोटे टाइम के लिए भी हो सकती है और वो बहुत लंबे टाइम के लिए भी जा सकती हैं तो ऐसे में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए तो आप अपने बैग में गुड अमाउंट ऑफ स्नैक्स को ज़रूर कैरी कीजिए वाटर बॉटल आप अपने मेटर्निटी बैग में एक वाटर बॉटल को जरूर कैरी कीजिए जस्ट इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल में आप इजीली उसको रिफिल करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग्स आप हॉस्पिटल बैग में एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग्स को जरूर कैरी कीजिएगा बिकॉज जस्ट इन केस अगर कुछ भी वेट हो जाता है या आपके स्लीपर्स हैं या कुछ भी वेट क्लोथ्स हैं आप उसे ईजीली एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग्स में रैपअप कर सकते हैं जिससे आप इजीली चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगे एक्स्ट्रा हेयर टाइज आप अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा हेयर टाइज को ज़रूर रखिएगा बिकॉज डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है आपको एक्स्ट्रा हेयर टाइज की ज़रूरत पड़ सके टॉयलट्री तो, बैग आप अपने साथ एक टॉयलट्री बैग अपने और अपने हस्बैंड के लिए ज़रूर पैक कीजिएगा जिसके अंदर आप अपनी सारी नेसेसरी की चीज़ें पैक कर सके जैसे कि टूथब्रश टूथपेस्ट हेयर वॉश बॉडी वॉश मॉइस्चराइज़र लिप बाम ये सारी ही चीज़ें आप उसके अंदर ज़रूर पैक कीजिए वॉट टू पैक फॉर डैड्स इन द हॉस्पिटल बैग आप डैड्स के लिए भी एसेंशियल टॉयट्रीज जैसे कि उनका टूथब्रश टूथपेस्ट हेयर कॉम बॉडी वॉश ये सब पैक कर सकते हैं इसी में उनके लिए भी एक छोटा टावल ज़रूर हैंडी रखिए एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शर्ट्स या पजामाज उनके बैग में ज़रूर रखिए आप उनके लिए स्लीपर्स बैग में ज़रूर रखिए सो दैट ही कैन ईजिल मूव हेयर एंड एयर सो ये सब चीज़ें आप डैड्स के लिए हॉस्पिटल बैग में ज़रूर पैक कीजिए आइए अब हम बात करते हैं बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग में क्या क्या सामान पैक करना होता है बेबी आउटफिट्स आप अपने हॉस्पिटल बैग में बेबी के एटलीस्ट फोर टू तो सिक्स पेयर्स ऑफ आउटफिट्स ज़रूर पैक कीजिए जिसमें हर वैरायटी ऑफ आउटफिट आप पैक करिए जिसमें बीनीज मिठन सॉक्स वंजेज सिंगलेट्स ये सब कैरी करनी है आपको ये मेक श्योर sure करना है कि आप अपने 32 टू टू थर्टी वीक के बाद से ही बेबी के सारे क्लोथ्स को हैंड वॉश करके अच्छे से सन ट्राई करिए और उसे आप अपने हॉस्पिटल बैग में पैक कीजिए सो दैट किसी भी तरह का किसी ने मार्केट में उसको टच भी किया होगा तो हर तरह का जो बैक्टीरिया है वो डेड हो चुका होगा सो so दैट आपकी बेबी को उससे कोई हार्म नहीं होगा जब वो उसको वेयर करेगा नैपीज़ आप एक गुड अमाउंट ऑफ नैपीज़ अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रखिए इनिशियली हॉस्पिटल जो है वो फर्स्ट डे पे नेपिस प्रोवाइड करते हैं लेकिन आफ्टरवर्ड्स अगर आप हॉस्पिटल में थ्री टू फोर डेज स्टे करने वाले हैं तो आपको अपने साथ बेबी की नेपिस को कैरी ज़रूर कर लेना चाहिए बेबी टावल्स आप अपने हॉस्पिटल बैग में एटलीस्ट टू बेबी टावल्स को ज़रूर पैक कीजिए आजकल मार्केट में बेबी के टावल्स जो है वो हुड के साथ आते हैं जो कि बहुत ही कम्फी होते हैं जब आप बेबी को शावर देते हैं आफ्टर डिलीवरी बेबी सोडल्स स्वाडल्स दो तरह के मार्केट में आते हैं एक तो एक बड़ा सा रिक्टेंगल या स्क्वेयर शेप का कपड़ा आता है जो बहुत सॉफ्ट एंड कम्फी होता है आप वो बाय कर सकते हैं अगर आपको ईजी लगता है कि आप बेबी को ईजिली रैपअप कर सकेंगे और या फिर आजकल मार्केट में रेडीमेड सॉडल्स आते हैं आप वो भी बाय कर सकते हैं जो ईजिली बेबी उसके अंदर चला जाता है और आप उसे अराउंड रैप कर सकते हैं जो मुस्लिम क्लोथ्स और रैप्स आप अपने बैग में थ्री टू तो फोर पेयर्स ऑफ मुस्लिम क्लोथ्स या रैप्स को ज़रूर कैरी कीजिए ये बहुत हैंडी होते हैं आप चाहे तो बेबी को नर्सिंग के टाइम पे आप आप ले सकते हैं या बेबी को बर्व कराते के कराने के टाइम पे आप अपने शोल्डर पे ले सकते हैं जिससे अगर बेबी जस्ट इन केस अगर कुछ प्यूकआउट करता है तो आपके क्लोथ्स मैस नहीं होते हैं या फिर जब आप बेबी को कैरी कर रहे हैं इन अ कैप्सूल और, और उसकी चेयर में तो आप उससे भी बेबी को कवर कर सकते हैं ये बहुत ही एक कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा होता है जिसे आप ईजीली मार्केट से बाय कर सकते हैं आप अपने हॉस्पिटल बैग में से जरूर पैक कीजिए क्लॉथ नैपीज मार्केट में दो तरह की क्लॉथ नैपीज आती है एक तो रेडीमेड आती है जिसमें लाइनर्स इंक्लूडिंग मिलते हैं जिसे आप पहले लाइनर लगाइए बाद में क्लॉथ नैपी बेबी को पहना सकते हैं और सेकंड आते हैं जिसे आप टेलर स्टिच करवा सकते हैं जिसे आपके क्लॉथ्स मार्केट से लीजिए और टेलर से आप दस या पंद्रह जो है वो पीसीस उनसे स्टिच करवा लीजिए लेकिन आप इसे जरूर अपने हॉस्पिटल बैग में कैरी कीजिए बिकॉज ये वेरी ईजी एंड वेरी सॉफ्ट ऑन द बेबी स्किन रहते हैं सुडो क्रीम बेबी की स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि उन्हें रैशेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं तो सूडो क्रीम इज़ द बेस्ट बम्प क्रीम जो बेबी की स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल है और उनको रैशेस से बचाते हैं मार्केट में बहुत से अच्छे अच्छे ब्रांड्स के बेबी वाइप्स आते हैं आपको इनिशियली जो सबसे ट्रस्टवर्ती ब्रांड लगे आपके बेबी के लिए आप उसे हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रख लीजिए आप अपने बैग में बेबी बिप्स को भी ज़रूर डालिए क्योंकि जैसे ही बेबी फीड करता है उन्हें बर्ब करवाते हैं तो उन्हें स्पिल होने के चांसेस बने रहते हैं तो जो बिब होगा वो उनके जो आउटफिट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है आपको बार बार उन्हें चेंज नहीं करना पड़ेगा एंड बेबी इज ईजी टू चेंज देन चेंजिंग द होल आउटफिट चेंजिंग मैट्स आप अपने हॉस्पिटल बैग में चेंजिंग मैट्स को भी ज़रूर रखिए जैसे कि हम समटाइम्स ड्राई शीट्स भी बोलते हैं जब भी आप बेबी का डायपर चेंज कर रहे हैं चाहे आप हॉस्पिटल में हैं हॉस्पिटल में तो मोस्ट ऑफ द टाइम भी आपको चेंजिंग स्टेशन प्रोवाइड करते हैं अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम और जस्ट इन केस अगर आपको रास्ते में आप बेबी की डायपर को चेंज करना है तो आपको ये बहुत हैंडी रहेगा है। बेबी ब्लैंकेट आप बेबी का ब्लैंकेट ज़रूर कैरी कीजिए जस्ट इन केस अगर जिस दिन आपकी डिलीवरी हो रही है या जिस दिन आप बेबी को घर लेके आ रहे हैं और अगर उस दिन थोड़ा सा भी वेदर कूल डाउन हो गया है तो आप बेबी को एक एक्स्ट्रा लेयर दे सकते हैं और स्लीप सैक कुछ मदर्स जो हैं अपने साथ स्लीप सेक को भी कैरी करना प्रेफर करती हैं जिसमें आप बेबी को ईजिली डाल सकते हैं आपको बेबी को कैरी करना बहुत ईजी हो जाता है तो बेबी ग्रूमिंग किट बेबीज़ की ग्रूमिंग किट को बैग में रखना बहुत एसेंशियल है बिकॉज जब बेबीज इस वर्ल्ड में आते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि उनके नेल्स काफ़ी बड़े होते हैं तो जस्ट इन केस बेबी अपने आप को स्क्रैच नहीं कर ले आप उनके नेल्स को कट करने के लिए उन अपने बैग में उनके क्लिपर्स या नेल कटर्स को ज़रूर रख लीजिए सो दैट आप उनके नेल्स को चॉप कर सकें और उन्हें किसी भी तरह के स्क्रैच से बचा सकें और लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि आप अपने बैग में एक एक्स्ट्रा एक 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 कैमरा कैमरा की बैटरीज कैमरा की लीड चार्जिंग केबल इन सब को ज़रूर रख लीजिए बिकाज बिकॉज आई एम श्योर एवरी मोमेंट डेट आउट देयर वो चाहेंगे कि वो इस वर्ल्ड में जब उनका बेबी आए तो वो उस मोमेंट को कैप्चर कर सकें सो so, मेरी बहुत सी बेस्ट विशेज़ आप सभी के साथ हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो जल्दी ही इस डिलीवरी स्टेज में जाने वाले हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिस मैं होप करती हूँ आप सभी अपना ध्यान रखेंगे मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर गाइज बाय